आप वो कुछ मेंटेन करते हो नहीं करते हो, तो ये क्या परफॉर्मेंस होगी फिर आप? तो जो काम 2 मिनट में हो सकता है उस काम को 25 दिन 30 दिन क्यों लग रहे हैं? एसडीएम साहब आप जवाब दीजिए। जो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एसडीएम की कार्यालय में अप्लाई करते हैं और उनके कास्ट सर्टिफिकेट कई कारणों से रिजेक्ट हो जाते हैं या टाइम से नहीं मिलते हैं, तो लोग परेशान होते हैं और वो हमारे यहाँ कैंप ऑफिस में आके शिकायतें करते हैं। तो मैंने इसको जांचने के लिए कि आखिर कारण क्या है, इतनी बड़ी मात्रा में कास्ट सर्टिफिकेट्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको जानने के लिए हम डिविजनल कमिश्नर के वहाँ जाकर उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करके हमने पाया कि कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जो टाइम है वो 14 दिन का है, क्योंकि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के तहत, एक्ट के तहत, अगर 14 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ पेनल्टीज लग जाती है। पेनल्टी से बचने के लिए अगर 14 दिन में वेरिफिकेशन होकर नहीं आता तो कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। बच्ची मुझे वहाँ मिली जिसका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन एसडीएम के यहाँ से उनके यहाँ चिट्ठी आई कि आपका वेरिफिकेशन के लिए हेडक्वार्टर गया हुआ है। मैंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो रिकॉर्ड निकला 3 मिनट के अंदर और तुरंत ही उसको वेरीफाई करके दे दिया और वहाँ रिकॉर्ड में भी भेज दिया। तो जो काम 3 मिनट में हो सकता है उस काम को 1 महीना क्यों लगे? पूरा मैनुअल बनाने के लिए बोला है अधिकारियों को कि जिस दिन आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन आती है उसके 3 दिन के अंदर आप वेरिफिकेशन करने के बाद एसडीएम के कार्यालय में भेजिए। सारी खामियां आज हमने समझी हैं और इसको तुरंत दूर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने आखिर क्यों टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बनाया? इसलिए बनाया था कि लोगों को धक्के ना खाने पड़े, ऑनलाइन लोग अप्लाई करें, तुरंत उनका बन के मिल जाए। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों को परेशान किया जाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।